आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन स्लिप रिंग एंड स्क्वायर गेज मोटर, मतलब कि स्लिप रिंग मोटर और स्क्वायर गेज मोटर में क्या अंतर होता है। दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो के अंदर आप इन दोनों मोटर के बीच में अंतर क्या होता है यह समझ जाएंगे, साथ ही साथ स्लिप रिंग मोटर की वर्किंग, स्लिप रिंग मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का उपयोग क्यों किया जाता है, इस तरीके कई सारे क्वेश्चन के ऊपर इस वीडियो के अंदर ही जान लेंगे। तो हम बिना ज्यादा देरी करे आज के छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं कि हम सभी देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम सबसे ज्यादा उपयोग मोटर करते हैं वो हमारी करते हैं स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर, जो कि हमारी कुछ इस तरीके की होती है। आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर जब भी मोटर को देखोगे तो वहां पे 90-95% या फिर इससे भी ज्यादा जो मोटर उपयोग देखने को मिलेगी वो हमेशा आपको ये इस टाइप की स्क्वायर गेज मोटर ही देखने को मिलती है। लेकिन जब हम किसी क्रेन की बात कर रहे होते हैं जो हमारे सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, तो इसके अंदर जो हमारी इस क्रेन के अंदर जो हमारी यह वाली मोटर होती है जो सामान को लिफ्ट करने का काम करती है, इस जगह हम हमेशा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही उपयोग करते हैं। तो इस समय हम सभी लोगों के मन में एक बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है कि आखिरकार हमारी क्रेन में ऐसा क्या है जो हमको स्लिप रिंग मोटर का उपयोग करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर मैं आपको इस सवाल का जवाब सिर्फ एक वर्ड के अंदर बता दूं तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हमारी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है जो क्रेन में उपयोग ली जाती है, इसका मुख्य काम यही होता है कि यह एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर होती है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब कि हमारी जो यह स्लिप रिंग मोटर होती है यह स्टार्टिंग के समय काफी ज्यादा वजन को अपने ऊपर उठाकर भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जब हमारी इस तरीके की स्क्वायर गेज मोटर की बात करते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब वापस से मैं आपको बताता हूं कि स्टार्टिंग के समय मोटर पे हमने कितना वजन जोड़ रखा है उस वजन को लेकर इस मोटर का स्टार्ट हो जाना इसका स्टार्टिंग टॉर्क कहलाएगा। पर दोस्तों अगर आप अभी भी स्टार्टिंग टॉर्क के लेके कंफ्यूज हो रहे हो क्या कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, तो उसे आप सिंपल से एक छोटे से उदाहरण समझ सकते हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको एक साइकिल दी जाती है और हमारी इस साइकिल पर आपके सिवा और कोई भी नहीं है, तो आप इस साइकिल को आसानी से स्टार्ट कर पाओगे, आपको इस साइकिल स्टार्ट करने के लिए ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं आपको एक और दूसरा केस है जिसके अंदर आपको साइकिल स्टार्ट करनी है लेकिन इस समय आपके पीछे 3 आदमी और बैठा दिया और साथ ही साथ कई सारा वजन भी आपके ऊपर रख दिया है, तो इस समय जब आपको साइकिल स्टार्टिंग में स्टार्ट करनी होगी तो उस समय आपको एक ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होगी, मतलब कि आपको इस दूसरे केस में साइकिल स्टार्ट करने के लिए एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होगी। तो सेम यही चीज ही हमारे क्रेन के अंदर होती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि क्रेन का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, क्रेन का इस्तेमाल हम वजन को उठाने के लिए करते हैं। तो इस क्रेन पर अधिकतर केस में काफी ज्यादा स्टार्टिंग में वजन जुड़ा हुआ रहता है और इस वेट को उठाकर ही इस क्रेन को आगे ट्रेवलिंग करना होता है। तो इस समय हमारी इस क्रेन को भी इस उदाहरण की तरह हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होगी। अब आखिरकार हाई स्टार्टिंग टॉर्क हम इस क्रेन को कैसे दें, तो इसके लिए हमें एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों इतनी बातें पता चलने के बाद में हम सभी ने, हमारी जितनी भी मोटर होती है, इन सभी मोटर के पास आए और हमने चेक किया इनमें से हमारी कौन सी मोटर ज्यादा टॉर्क वाली मोटर है, ऐसी कौन सी मोटर है जो हमको स्टार्टिंग में काफी ज्यादा टॉर्क दे सकती है। तो उस समय हमने देखा कि हमारी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, यह स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर काफी ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर है। लेकिन दोस्तों इसके बाद में हम सभी के मन में एक और अगला सवाल यह आ जाता है कि आखिरकार स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐसा क्या है, इसकी वर्किंग में ऐसा क्या है जिसके कारण इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा हमें मिल जाता है, तो आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है, वो भी हम 1-2 मिनट में समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले हमारी इन दोनों मोटर की बनावट की बात करें कि आखिर ये कैसी दिखती है, तो यह लगभग लगभग हमारी दोनों मोटर सेम ही दिखती है। लेकिन जब हम इन दोनों मोटर के रोटर को देखते हैं तो इनमें काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगर आप स्क्वायर गेज मोटर की बात करते हो तो इसका रोटर आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, जबकि हमारी स्लिप रिंग मोटर के रोटर में आपको एक वाइंडिंग देखने को मिलती है और आपको कुछ इस प्रकार का हमारा एक कम्यूटेटर देखने को मिलता है। अब आखिरकार स्लिप रिंग मोटर में ये वाइंडिंग और इस तरह का कम्यूटेटर क्यों दिया गया है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को समझने के लिए आपको हमेशा सिर्फ एक बात का यह ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमें हमारी किसी मोटर से हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, मतलब कि हमें हमारी मोटर से स्टार्टिंग के समय ज्यादा पावर, ज्यादा प्रेशर की जरूरत है, तो उस समय हमें क्या करना होगा कि हमारी जो यह मोटर है, इस मोटर के रोटर के करंट को कम करना होगा। अब हम सभी को इतनी बात तो पता चल गई थी कि अगर हम हमारे इस रोटर में फ्लो होने वाले करंट को कम कर देंगे तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगला सवाल हमारे सामने यही आ गया था कि आखिरकार हम रोटर के करंट को कैसे कम करें। तो यह सभी चीजें हमारी स्लिप रिंग मोटर की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। स्लिप रिंग मोटर के अंदर हमने क्या किया, हमारा जो इसका रोटर है इसके ऊपर हमने यहाँ पे वाइंडिंग को कर
कर दिया और यह जो वाइंडिंग होती है इस वाइंडिंग को हमने हमारे वायर की मदद से हमारे इस कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद में यह जो आपको पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे हमने स्लिप रिंग की सहायता से इस पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। आपने इंडस्ट्री के अंदर कुछ इस प्रकार के रेजिस्टेंस बॉक्स को आपके स्लिप रिंग रोटर के साथ में जुड़ा हुआ जरूर देखा होगा। अब आखिरकार इस रेजिस्टेंस बॉक्स का क्या काम होता है? तो दोस्तों हमारे इस रेजिस्टेंस बॉक्स का काम काफी ज्यादा सिंपल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी इस मोटर से अगर हमें स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा लेना है तो उसके कारण हमें क्या करना होगा, हमें हमारे इस रोटर के करंट को कम करना होगा। और रोटर के करंट को हम कैसे कम करेंगे, तो हम सभी को पता है जब भी हमें करंट को कम करना है तो उसके लिए हमें सिंपल सा रेजिस्टेंस को उसके साथ कनेक्ट कर देना है। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस का काम ही यही होता है, वह करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। तो जब भी हम हमारे इस मोटर के रोटर पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे तो उसके कारण इस रोटर में से करंट तो कम फ्लो होने लग जाएगा। और जैसे हमारे रोटर का करंट कम हो जाएगा हमें हमारी इस मोटर से हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे इसी पूरे प्रोसेस को हम स्लिप रिंग मोटर के अंदर उपयोग लेते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं यह हमारी एक स्लिप रिंग मोटर है, इसके अंदर यह जो रोटर है इस रोटर के ऊपर यहाँ पे वाइंडिंग की गई है और यह जो वाइंडिंग होगी इस वाइंडिंग को हमारे वायर के थ्रू इस हमारे स्लिप रिंग एरिया पे कनेक्ट कर देते हैं। और इसके साथ में हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स को और भी कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों इतना करने के बाद में जब हमारी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय अगर हमें हमारी इस मोटर से ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है, ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसके कॉन्टेक्टर को यहाँ से ऑन कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस इस स्लिप रिंग की सहायता से हमारे रोटर की वाइंडिंग से जाके जुड़ जाता है। मतलब कि हमारे रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें हमारी मोटर से हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी स्लिप रिंग मोटर काम करती है। अगर आप स्क्वायर गेज मोटर की बात करोगे तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वह हमारा फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया, क्योंकि इसके रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है वह रेजिस्टेंस परमानेंट फिक्स ही होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि स्लिप रिंग मोटर के केस में जब भी हमको टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है तो हम इस स्लिप रिंग मोटर के रोटर पे स्लिप रिंग की सहायता से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारे इस रोटर का करंट कम हो जाता है और हमें इस मोटर से टॉर्क ज्यादा मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।